गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। आज भीम आर्मी की बहुजन हुंकार रैली है और माननीय काशीराम जी का जन्म स्थापना दिवस भी है, उसी के उपलक्ष्य में आज भीम आर्मी ने एक हुंकार रैली रखी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसी को देखते हुए आज भीम आर्मी यहाँ से कई बड़े ऐलान कर सकती है। सर कहाँ से है? गाजियाबाद। सर क्या लगता है, भीम आर्मी को चुनाव लड़ना चाहिए? सर अभी कुछ नहीं कह सकते, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे वो होगा। नहीं सर, बाकी समाज के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। समाज को संगठन में लाने का काम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते इस विषय में। बाकी आने वाले टाइम में जो विचार होगा। शेखर जी बार बार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, वो कहीं से भी अगर, वो अभी आने वाले टाइम में विचार करेंगे, विचार चल रहा है। ऐलान कर चुके हैं सर, वो ऐलान कर चुके हैं, कहा है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर भी सोचेंगे। अगर सर भीम आर्मी चुनाव लड़ती है तो किसका नुकसान ज्यादा होगा? नुकसान और बीजेपी का ज्यादा नुकसान रहेगा। कैसे सर? और क्या, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या गठबंधन का नुकसान नहीं होगा इसमें? गठबंधन का भी हो सकता है। नहीं सर, जो भीम आर्मी का जो वोट है सर, वो तो दलित समाज है ना सर, बहुजन समाज है, और बहुजन समाज गठबंधन का वोट है सर, तो क्या लगता है? गठबंधन के साथ साथ अदर समाज भी तो भीम आर्मी का वोटर है। नहीं, अदर समाज जैसी छवि चंद्रशेखर की देखी जाती है तो वो दलितों के प्रति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अदर समाज देखा जाए, अगर हमारे ऐसा नहीं है, अकेले दलित सरकार नहीं बना सकते, ये सच है। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला ले चुके हैं वो मान्य है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। क्या वो कहीं से भी लड़े, अगर वे मनुवादी सरकार को रोकने की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? अगर सर एक तरफ से भीम आर्मी चुनाव लड़ती है, दूसरी तरफ से गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारता है, तो सर क्या फैसला लेंगे आप, किसको वोट देंगे? भीम आर्मी की तरफ जाएंगे हम, और किसकी तरफ जाएंगे? भीम आर्मी जाएंगे। सर सर बताइए क्या लगे सर, अगर भीम आर्मी चुनाव लड़ती है तो किसका नुकसान ज्यादा होगा? तो ये तो भीम आर्मी जो महागठबंधन की तरफ ज्यादा है, महागठबंधन का नुकसान होगा। नहीं, गठबंधन नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। कैसे? कैसे बताओ, अगर मोदी के सामने महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारकर भीम आर्मी भी अपना प्रत्याशी उतार, ये हमारे चंद्रशेखर साहब ने पहले कह दिया था कि मैं महागठबंधन से अलग नहीं जाऊंगा, इन्होंने साफ मना कर दी थी, कांग्रेस के साथ मेरा कोई चुनाव लड़ने का वो नहीं। ये तो इनका एक व्यक्तिगत वो था जिसे प्रियंका गांधी जी आई थी। हाँ, जब प्रियंका गांधी जी आई, बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर, ये आवाज आने लगी है कि चंद्रशेखर कांग्रेस में जाने वाले हैं, इसमें कितने? ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है, व्यक्तिगत। तो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा दिया था, ये हमारा व्यक्तिगत है, चुनाव से ना जोड़ा जाए, ना राजनीति से जोड़ा जाए, ये तो उनका हालचाल पूछना है। लेकिन जैसे चंद्रशेखर जी अपने बार बार बयान बदलते जा रहे हैं, अपनी चीजों को, उन्होंने पहले कहा कि मैं एक सामाजिक संगठन है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अचानक से उनके पता नहीं कहां से ये चीज आती है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस क्लब में जाकर ऐलान करते हैं कि हम भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। तो सर कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाज को कहीं दिखाया इधर उधर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा है, अगर जब चंद्रशेखर भाई को परिस्थितियों का सब कुछ समझना पड़ता, परिस्थितियों, जैसे अब बसपा और सपा एक हो गई, एक हो गई, गठबंधन हो गया, जैसे बीजेपी वाली 42 गठबंधन करे बैठे हैं, तो ऐसे ही चंद्रशेखर भाई ने समाज के सभी लोगों से सलाह करके एक निर्णय लिया कि भाई अगर जहां से मोदी चुनाव लड़ेगा, पहली बात उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हर जगह से चुनाव लड़ूंगा, जहां से मोदी चुनाव लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा, तो इसमें गलत क्या है? अगला अपने दावेदारी ठोक रहा, दम रख रहा है एक आगे चलने का, हमारे समाज से एक नेता बनने का, तो हमें। लेकिन सर इसमें गठबंधन तो सहमत नहीं है सर? गठबंधन मत हो, गठबंधन तो एक तरफ चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं गठबंधन का समर्थन करूंगा जी, और एक तरफ वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं। सर साहब ऐसा है सर, गठबंधन का हम हर जगह समर्थन कर रहे हैं, वो एक सीट पर समर्थन कर दो हमारा तो क्या बिगड़ जाएगा? सर एक चीज बताइए, भीम आर्मी की सारी रैलियां मैंने कवर करी हैं और मैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क चलाता हूँ, और पहले स्टार्टिंग से जब से सहारनपुर सब्बीरपुर कांड हुआ हम कवर, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भीड़ प्यारी रैलियों में आती थी चंद्रशेखर की, हमने भीड़ देती है 20,000 लोग उनकी रैली में, लेकिन आज उसकी अपेक्षा बहुत भीड़ कम है सर, उसकी क्या वजह है? पहली वजह तो आचार संहिता, देखो पहली वजह तो है आचार संहिता, और दूसरी वजह अभी भीड़ आनी चालू होगी, अभी बहुत भीड़ आ रही है, अभी तुम देखो हमारा समाज बहुत आगे है, भीड़ को आने नहीं दिया, देखो ट्रेनें हमारे लिए रोकी गई हैं, ट्रेनें हमारे लिए रोकी गई, भी ट्वीट किया था कि सात ट्रेनें हमारे लिए उन्हें रोक दी गई है, बहुत चीजें हमारे लिए रोक दी गई है कुछ। तो अब भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन ना होगा, राजनीतिक संगठन मान लिया जाए? देखो इस बात का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं,
नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरह से आप मान सकते हैं जो उनका फैसला होगा वही हमारे लिए मान्य होगा। कुछ लोगों का ये मानना है भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता अगर चुनाव में भीम आर्मी उतरती है तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। सर उन लोगों को कैसे मनाएगी भीम आर्मी, उनको अपने साथ कैसे लाएगी? अगर सामाजिक संगठन रहता है भीम आर्मी तो हम उनके साथ हैं, अगर वो चुनाव लड़ते तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं कि जहाँ से मोदी चुनाव लड़े वहाँ से या तो बहन जी चुनाव लड़े या माननीय मुलायम सिंह चुनाव लड़े या अखिलेश चुनाव लड़े, वे अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर एक सामाजिक समीकरण भी होता है, अगर बनारस में देखा जाए 15 लाख वोट है वहाँ पर, ये मात्र 80,000 वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर है, तो आप कैसे एक किसी को बलि का बकरा कैसे बना सकते हैं? ऐसा नहीं लड़ा जाता, एक सामाजिक समीकरण देखा जाता तब चुनाव लड़ा जाता है। देखो चंद्रशेखर भाई के साथ सिर्फ एक ही समाज का एक ही तबके का साथ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए। ऐसा है चंद्रशेखर भाई के साथ एक ही समाज का एक ही तबके का साथ नहीं है, सर्व समाज का साथ है। तो इस बार देखा जाता बार बार वो अल्पसंख्यक का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रैली में देखा जाए तो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ना कि बराबर लोग हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम इस रैली में भागीदारी नहीं है, मुस्लिम बहुत कम है ना? नहीं कम नहीं है, कम ऐसा नहीं है। हमारी साथ जो आए हैं कम से कम 50 साथी हमारे मुस्लिम समाज से हैं, और जो हमारे क्षेत्र से जो जितनी भी रैली में ज़्यादातर भागीदारी रहती है वो मुस्लिमी समाज की रहती है। मुरादनगर विधानसभा के अंदर लोगों से हम बात करते हैं जाकर, तो कहीं ना कहीं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन में भीम आर्मी के साथ हैं, लेकिन अगर वोट डालने की बात आएगी तो हम BSP को वोट देंगे। देखो वो चीज़ हम भी कह रहे हैं आपसे कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सभी सीट पे कह रहे हैं, जहाँ से हमारे चंद्रशेखर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वहाँ से भीम आर्मी के हम साथ हैं, अन्यथा हम गठबंधन के साथ हैं। ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी की आज बहुजन उनकार रैली है, लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है।